नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश सीखो विद अभय में स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कॉजिटिव वर्ब्स, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। बहुत सारे बच्चों को इस टॉपिक को लेकर के कन्फ्यूजन बना रहता है कि कॉजिटिव वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं, कॉजिटिव वर्ब्स कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हमने कवर किया है। एक बात और, आपने बहुत सारी वीडियो YouTube पर देखी होगी कि कॉजिटिव वर्ब्स सीखें, कॉजिटिव वर्ब्स की बहुत सारी वीडियो YouTube पर अपलोड हैं। आपने बहुत सारी वीडियो को देख भी लिया है, लेकिन फिर भी अगर आपका डाउट कॉजिटिव वर्ब्स का नहीं गया है तो यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद आपका डाउट 1% भी नहीं बचेगा। तो इस वीडियो को अगर आपने पूरा वॉच कर लिया, पूरा देख लिया, तो आपको 100% कॉजिटिव वर्ब्स एकदम अच्छे से समझ में आ जाने वाला है। फिर कभी भी आपको कॉजिटिव वर्ब्स को लेकर प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, देख लेते हैं कॉजिटिव वर्ब्स। पहले सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कॉजिटिव वर्ब्स को हम लोग दो भागों में बांट देते हैं। एक होता है डूअर और एक होता है कॉजिटिव वर्ब्स। डूअर क्या होती है? जो हमारा सब्जेक्ट होता है, जो नॉर्मल वर्ब्स होती है, उसे हम लोग डूअर या फिर वर्ब्स बोल सकते हैं। और दूसरी तरफ हम लिख लेते हैं कॉजिटिव वर्ब्स, जो हमारी कॉजिटिव वर्ब्स कहलाती हैं। आपने देखा होगा कि जो भी डिक्शनरी आप यूज़ करते होंगे, चाहे कहीं भी आपने देखा होगा कि दौड़ना जो हमारी डिक्शनरी में मिल जाता है, लेकिन दौड़ाना के मीनिंग हमारे डिक्शनरी में नहीं मिलता है। आपको डिक्शनरी में देखने के लिए मिलता होगा, हंसना के मीनिंग मिल जाते होंगे, लेकिन हंसाना के मीनिंग डिक्शनरी में नहीं मिलता है। रोना के मीनिंग आपको डिक्शनरी में मिलता होगा, लेकिन रुलाना के मीनिंग डिक्शनरी में नहीं मिलता है। पीटना के मीनिंग आपको डिक्शनरी में मिल जाता होगा, लेकिन रूला पिटवाना के इंग्लिश आपको डिक्शनरी में नहीं मिलता। जिसकी मीनिंग डिक्शनरी में नहीं मिलती है, उसी को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव वर्ड्स। मैं गीता को हंसाता हूँ, इसका इंग्लिश हो जाएगा आई मेक गीता लाफ, आई मेक गीता लाफ। हमारा दूसरा सेंटेंस दिया हुआ है, मैं गीता को पिटवाता हूँ, आई गेट गीता बीटन। यहाँ पर आपने देखा कि हमने दो सेंटेंस दिया, मैं गीता को हंसाता हूँ, तो इसमें हमने यूज किया आई मेक गीता लाफ, आई मेक गीता लाफ। एक सेंटेंस में हमने मेक का यूज किया है, दूसरे सेंटेंस में हमने गेट का यूज किया है। तो क्या आप लोग जानते हैं? और एक बात, हमने जिस भी सेंटेंस में मेक लगाया है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है, और जिसमें हमने गेट का यूज किया है उसमें हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है। तो आखिर ऐसा क्या है? इसका भी एक रूल है, इसका भी एक स्ट्रक्चर होता है, इसका भी एक तरीका होता है, जिसका हमने आगे वीडियो में कवर किया है। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि हम लोग मेक का यूज़ कहाँ करेंगे, हम लोग गेट का यूज़ कहाँ करेंगे। फिर उसके बाद सीखेंगे कि हम लोग कब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और कब वर्ब की में थर्ड फॉर्म लिखनी है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मेक का यूज हम लोग कहाँ करते हैं। जब काम करने वाला और काम करवाने वाला दोनों व्यक्ति हो, तब हम लोग मेक का यूज़ करते हैं। ध्यान रखिए कि जब काम करने वाला और काम करवाने वाला दोनों लोग सेंटेंस में रहेंगे तो हम लोग मेक का यूज़ करेंगे। एक बात और, जब भी हम मेक का यूज़ करेंगे तो हमें मेक के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी होगी। अब हम लोग देख लेते हैं गेट का यूज़ कब करेंगे। जब काम करवाने वाला हो और काम करने वाला नहीं हो, तब हम लोग गेट का यूज़ करते हैं। इसका ध्यान रखिएगा कि जब काम करवाने वाला हो और काम करने वाला नहीं हो, तब हम लोग गेट का यूज़ करेंगे। और एक बात, जब भी गेट का यूज आप करेंगे तो गेट के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी होती है, इसको आपको याद रखना है। पहले हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम चलेंगे सेंटेंस पे, जिसे हमारा एकदम सेंटेंस हम लोग आसानी से बना सके। हमारा स्ट्रक्चर है, सबसे पहले है तो हमें सब्जेक्ट लिखना होगा, फिर उसके बाद हम मेक यूज करेंगे या फिर मेक्स यूज करेंगे, फिर उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर उसके बाद जो भी सेंटेंस बचा है हम लिख देंगे। अगर हमें गेट से बनाना रहेगा तो हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होगा, फिर लिखेंगे गेट या गेट्स, फिर उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद गेट वाले सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर उसके बाद जो भी सेंटेंस बचा है उसको अदर वर्ड में हम लिख देंगे। अब हमने सारा चीज़ सीख लिया है, अब हम लोग सेंटेंस को फिर से उसी सेंटेंस पर चलते हैं जो हमने आपको बताया है। हमारा पहला एग्जांपल दिया हुआ कि मैं गीता को हंसाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि मैं काम करवाने वाला और गीता काम करने वाली दोनों लोग हैं। तो हमने आपको बताया था कि जब काम करने वाला और काम करवाने वाला दोनों लोग रहेंगे तो हम लोग मेक का यूज़ करेंगे। तो इस सेंटेंस में हम लोग मेक लगाएंगे और मेक के बाद हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ये भी आपको याद रखना होगा।
तो इसका इंग्लिश हो जाएगा मैं गीता को हंसाता हूँ, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा आई मेक गीता लाफ, आई मेक गीता लाफ से हमारा मैं गीता को पिटवाता हूँ, मैं काम करवाने वाला मतलब मैं काम करवा रहा हूँ। और गीता यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट हमारा है, लेकिन गीता खुद काम नहीं कर रही है, पीटने वाला कोई और, गीता पिटा रही है, वो ऑब्जेक्ट है, काम नहीं कर रही है। तो जब देखिए कि मैं काम करवाने वाला हूँ लेकिन कोई काम करने वाला नहीं है, तो जब कोई काम करने वाला नहीं रहता है तो हम लोग वैसे केस में गेट का यूज़ करते हैं। तो इस सेंटेंस में हम लोग गेट का यूज़ करेंगे, मैं गीता को पिटवाता हूँ, आई गेट गीता बीटेन। अगला सेंटेंस है मैं राम को दौड़ाता हूँ, मैं काम करवाने वाला, राम काम करने वाला, मतलब दोनों लोग हैं, जब दोनों लोग हैं तो मेक का यूज, आई मेक राम रन, आई मेक राम रन, मैं राम को दौड़ाता हूँ। चौथा सेंटेंस हमारा है सरकार गरीबों के लिए घर बनवाती है। देखिए सरकार काम करवाने वाली, काम करने वाला इसमें दिख रहा है, काम तो गरीबों के लिए बन रहा है लेकिन बनाने वाला है, बनाने वाले नहीं है। तो जब काम करवाने वाले हैं और करने वाला नहीं है तो हम लोग गेट का यूज़ करेंगे। तो इस सेंटेंस में हम लोग गेट का यूज़ करेंगे, द गवर्नमेंट गेट्स, द गवर्नमेंट गेट्स द हाउस बिल्ट फॉर द पुअर, द गवर्नमेंट गेट्स द हाउस बिल्ट फॉर द पुअर। तो देखिए यहाँ पे गेट्स का यूज इसलिए किया गया है क्योंकि जो हमारा द गवर्नमेंट है वो सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन का होता है। अगला एग्जांपल हमारा है मैं बच्चों के लिए किताबें छपवाता हूँ, मैं काम करवाने वाला और बच्चों के लिए छपवाता हूँ, मतलब काम कोई करने वाला नहीं है, काम करने वाला कोई और है लेकिन इस सेंटेंस में नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम लोग बनाएंगे गेट से, आई गेट द बुक्स प्रिंटेड फॉर द स्टूडेंट्स, आई गेट द बुक्स प्रिंटेड फॉर द स्टूडेंट्स। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं मैं बच्चों से लिखवाता हूँ, देखिए मैं काम करवाने वाला और बच्चे काम करने वाले, मतलब बच्चे लिखते हैं ना तो बच्चों से काम करवाने वाला, तो इसमें देखिए करवाने वाला करने वाला दोनों लोग हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग लगाएंगे मेक, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा आई मेक स्टूडेंट्स राइट, आई मेक स्टूडेंट्स राइट। तो ये देखिए हमने पॉजिटिव वर्ब्स को एकदम अच्छे से कुछ एग्जांपल के साथ कवर कर लिया है। अब रही आपकी बारी, मैं आप लोगों के लिए दो सेंटेंस होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, अगर आपने वीडियो को पूरा देखा होगा तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, तो आपके लिए मैं आपके लिए दो सेंटेंस होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, जिसे आप लोगों को कमेंट करके बताना है ताकि आप लोगों की थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। तो ये रहा आपका होमवर्क, मैं अपने पिता से गाड़ी खरीदवाता हूँ, मैं अपने पिता से गाड़ी खरीदवाता हूँ और मैं अपने पिता के लिए खाना बनवाता हूँ, इन दोनों की इंग्लिश क्या होगी आप लोगों को कमेंट करके हमें बताना है। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर जरूर करिए, अगर आप चाहते हैं कि किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो बना के मैं बनाऊं तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। अगर हाँ, अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो इस नंबर पे दिए हुए नंबर पे आप लोग मुझे मैसेज करें, कॉल्स ना करें, मैं आपको डाउट क्लियर कर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।